राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आज मैं महाप्रभु की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, जिन्होंने राम भक्तों को रोका है उनको फिर से सरकार में ला सकते हैं क्या? ओडिशा का मुख्यमंत्री तमिलनाडु का व्यक्ति बन सकता है क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? ये पीछे के पेंडाल वाले, दोनों पेंडाल वाले बताए है या नहीं है? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। अरे नवीन बाबू, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आज मैं महाप्रभु की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने 500 साल के बाद राम मंदिर बनाया, जब पूरा देश राम महोत्सव मना रहा था, ये ओडिया मुख्यमंत्री नवीन बाबू और उनका तमिल बाबू जो उनका राजनीतिक वारिस बनने वाला है, ओडिया जनता को उन्होंने रोकने का काम किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिन्होंने राम भक्तों को रोका है उनको फिर से सरकार में ला सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, ला सकते हैं। ओडिशा का मुख्यमंत्री तमिलनाडु का व्यक्ति बन सकता है क्या? जोर से बोलो, बन सकता है क्या? हम भारतीय जनता पार्टी वाले ओडिशा बोलने वाला, यहाँ रहने वाला और यहाँ का युवा मुख्यमंत्री देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, अरे नवीन बाबू, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आज मैं महाप्रभु की भूमि पर कहकर जाता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, जिन्होंने राम भक्तों को रोका है उनको फिर से सरकार में ला सकते हैं क्या? ओडिशा का मुख्यमंत्री तमिलनाडु का व्यक्ति बन सकता है।